2024 में अगर मारुति सुजुकी की रेट्स मिल रही है और इमैकुलेट कंडीशन मिली और डीजल इंजन मिला है, क्या रहना चाहिए पूरी गाड़ी का, वो फिर बता रहा हूँ कि क्यों लेना चाहिए 2024 में ये गाड़ी। और पीछे से कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है, क्या स्पोर्टी लगती है देखो ना। और ये आपका फिएट मल्टी जेट 4 सिलेंडर डीजल इंजन, वाह मजे आ जाते हैं भाई इसको देख के। रहोगे शिफ्ट के काफी ज्यादा पार्ट इसमें शेयर हुए हैं। पिकअप देखो गाड़ी का, ऑन द गो भागती हुई चली जाती है। वेलकम टू अनदर व्लॉग, आई एम अर्शन, यू आर वाचिंग मोटो ओटेक। चलो गाइस बिना किस तरीके आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होगे भाई क्या सीन है। हाँ जी भाई, लियो जा चुकी है और एक महीना हो गया लियो को जाए हुए। जब वो लास्ट वीडियो आई थी मंथ पहले, तभी लियो जा चुकी थी भाई, लास्ट वही वीडियो बन पाई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छी डील मिल गई थी मुझे तो मैंने निकाल दी गाड़ी। तो अब जो गाड़ी लाए हैं वो तो आप लोग जान ही गए होंगे, टाइटल में मैंने लगाई मतलब थंबनेल में मैंने लगाई दिया होगा। तो चलो दिखाते हैं कि क्या करने वाला है इस गाड़ी पे और क्यों मैं डीजल गाड़ी लेके आया हूँ 2024 में, वो भी रिट्स। क्या है ऐसा खास, और वैसे है तो पॉकेट रॉकेट भाई, तो 1000 RPM के ऊपर जाती है, मजा ही आ जाता है। चलो चलते हैं और अच्छे से ओवरव्यू दिखाते हैं आपको गाड़ी का। चलो मिलते हैं आपसे आगे, ड्राइविंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं गाइस। सो गाइस, सो फाइनली दिस इज आवर कार, देख सकते हो बढ़िया सी ब्यूटीफुल लोकेशन पे लेके आया हूँ। साइट से ओवरव्यू चेक कर लो। और ये इसकी की है ऐसी कोई सिंपल सी, वही ऑल्टो जैसी अपनी की थी वैसे ही सेम इसमें भी की है। और ये अपनी रिट्स VDI डीजल, देख सकते हो इमैकुलेट कंडीशन में है गाड़ी। ओवरव्यू चेक करो साइड से, क्या लगती है भाई। बैक साइड आपको चेकआउट कराता हूँ, देखो भाई क्या बेहतरीन सी लगती है। यहाँ पे फ्यूज हो गया बल्ब, कोई नहीं चेंज कर देंगे अभी तो लाए गाड़ी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आपको कितनी ब्यूटीफुल सी गाड़ी लगती है देखने में, एग्जैक्टली ना यही मेरे को लगा था फर्स्ट टाइम देखने पे। तो स्टार्ट करते फ्रंट से, बड़ी सी हेडलैम्प आती है जिसमें आपको यहाँ पर टर्निंग एंड गेटर्स, हेडलाइट का ऑप्शन और पार्किंग बल्ब का ऑप्शन, और नीचे आपको मिल जाती हैं फॉग लैंप्स। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो, बड़ा सा बोनट, इसके नीचे है आपका फिएट का मल्टी जेट 1.3 लीटर डीजल इंजन जो कि अभी बाद में दिखाते हैं। सामने से गाड़ी कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन माशाल्लाह लगती है, ठीक है। और साइड से चेकआउट करें, साइड में आपको क्या मिलता है, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, DDIS की बैजिंग जो मारुति इसको बुलाता है, और ऐसे कुछ आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो ये अंदर से एडजस्टेबल हैं मिरर्स जो कि काफ़ी बढ़िया है। बॉडी कलर पेंट हैं। डोर हैंडल्स आपको वही स्विफ्ट वाले मिलते हैं, इसको वैसे भी स्विफ्ट के ऊपर ही माना जाता था जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। 14 इंच के आपको टायर साइज मिल जाते हैं। व्हील्स कवर लगे हुए हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, इसको मैं पेंट करूंगा, आप तो जानते ही हैं मेरा टेस्ट। बैक से चेकआउट करें, पूरी लंबी सी आपको इसमें टेल लैंप मिलती है, ऊपर ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, मारुति सुजुकी का लोगो, सुजुकी का लोगो, रेट्स की बैजिंग जो कि उखाड़ दी मतलब उखड़ गई, मेरे से कपड़ा मार रहा था उसमें फंस गया और उखड़ गई, जो कि पेस्ट करना है, अंदर रखी हुई है। VDI की बैजिंग जो कि ये वो है वेरिएंट VDI मतलब डीजल इंजन, ठीक है। पीछे से गाड़ी चेकआउट करो, छोटू ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटू सी विंडस्क्रीन मिलती है, ये अभी जल्दी मैंने लगाए हैं 2 दिन पहले थिंक मतलब जो अपने स्कूटर के लिए रखे थे। और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाती है। आओ बूट खोलते हैं गाड़ी का, गाड़ी मैंने कहा दिखाई देते हैं भाई लोगों को, अंदर से खुलेगा नहीं खुलेगा यहीं से। स्ट्रट्स इसके थोड़े वो हो गए हैं वीक, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फिट एंड फिनिश मिलती है, देख सकते हो प्रॉपर मतलब सील्ड है एक्सपोज कुछ भी नहीं है, कपड़ा पड़ा नहीं लगा है।
इसकी मेरे को पता नहीं है कितनी डीप वो है बूट स्पेस, मतलब काफ़ी है मेरे लिए तो, ऑल्टो से थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाता है जो कि भाई ने लगवा रखे थे जिनसे ली है। यहाँ पे साउंड सेटअप लगा रखा है, साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो चलो इसको बंद करते हैं और थर्ड सुनना आप भाई, बेहतरीन मारुति उस टाइम पे ये देख रहे हो, ठीक है वही सेम टेल लाइट का ऑप्शन और 14 इंच के व्हील्स। साइड में आपको ये पट्टी कंपनी देती थी जिस पर एडिट्स लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती थी। यहाँ पे आपको लगे हैं साइड वो क्या बोलते हैं डोर गार्ड्स, और ये आपके शायद आफ्टर मार्केट, मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट वो हुए हैं रैप, ऐसे आते नहीं थे। तो चलो बाहर का ओवरव्यू तो हो गया, ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है और पूरी प्लेन रूफ है। चलो अंदर चलते हैं कि यहीं पे इंसर्ट होगी पूरी गाड़ी। ऑटो लॉक है, मतलब साइड से लॉक हो जाती है डोर पैनल। पहले लाइट बंद कर लेते हैं, आवाज़ करेगा वरना। सो डोर पैनल पर आपको राइट में मिल जाता है ड्राइवर साइड लॉक अनलॉक का स्विच, और ड्राइवर को मतलब खोलने दरवाज़ा खोलने बंद करने का। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, गाड़ी लॉक अनलॉक करने का सिस्टम यहाँ से ऑटो लॉक है। ये चाइल्ड लॉक है ताकि विंडोज अप डाउन ना हो। ग्रैब रेल है, यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक अपॉलस्ट्री लगी है जो कि गंदी हो चुकी है, मतलब गाड़ी थोड़ा गांव ग्राम में यूज हुई है। तो चलो, और ये अंदर से एडजस्टेबल हो जाता है मिरर, ये देख लो ठीक है। यहाँ से नॉब लगा है जो कि अंदर से एडजस्टेबल हो जाता है, वही शिफ्ट वाला है जो पहले आता था। इंडिकेटर बंद कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर का आपको सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे 1 लीटर की बोतल लगा सकते हो, बाकी अपने पेपर वगैरह या कपड़े वगैरह मैंने रख रखे हैं। विंडो काफ़ी बढ़िया सी आती है इधर, काफ़ी बड़ी सी आती है। और अंदर आते हैं ड्राइवर साइड पे तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए इसको लॉक ही कर लेते हैं पहले, स्टेयरिंग घुमा लेते हैं ताकि अच्छा सा व्यू आए। तो वही क्यों चिल्ला रही है, अच्छा दरवाज़ा खुला है, ओके अब मत चिल्ला। तो हाँ जी, आपको वही शिफ्ट वाला जो आता था पहले, शिफ्ट 2000 मतलब इसमें रिट्स में तो 2016-17 तक यही स्टेयरिंग आया है, और बाकी आप इसको स्विफ्ट वाला इंजन तो है ही है, बाकी स्टेयरिंग भी स्विफ्ट वाला है, इसको स्विफ्ट से ऊपर वैसे माना जाता था। तो वही खाली हॉर्न है, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, बीच में सुजुकी का लोगो। हॉर्न आपको सुना देते हैं गाड़ी का जो कि आफ्टर मार्केट है, चेंज हुए हैं हॉर्न। तो चलो ऑन कर लेते हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा ब्लोवर ही चला लेते हैं ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सा इंस्ट्रूमेंट मिलता है, मतलब भाई साहब इसको देख के तो फीलिंग से आ जाती है। और ये ऊपर जो टैकोमीटर लगा है भाई, जो कि चलाने पे भाई साहब आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होगे कि क्या मतलब मज़ा आता होगा भाई, ज़बरदस्त वाली फीलिंग आती है भाई चलाने पे इसको। तो यहाँ पे 200 तक मार्क्ड है। यहाँ पे आपको नीचे छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें फ्यूल वगैरह, टाइम वगैरह, और आपका कितने ट्रिप ए ट्रिप बी और कितनी गाड़ी चली हुई है वो दिखा देता है। और बाकी यहाँ पे टेल लाइट्स देखिएगा, इतनी सारी टेल लाइट्स आती हैं ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह हर चीज़ की आती हैं, और यहाँ पे आपको इसमें लाइट भी जलती है रात में। ये आपका आरपीएम मीटर है जो कि इस टाइम सही से विजिबल नहीं हो रहा है, 6000 तक आरपीएम मार्क्ड है। वही सेम 1.3 लीटर है मल्टी जेट फीएट का जो इंजन था, वो ज़्यादातर सुजुकी की गाड़ियों में आया था, वही इसमें इंजन लगा हुआ है। गियर बॉक्स भी वही लगा हुआ है। गियर नॉब यहाँ पे देख सकते हो, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है गियर नॉब की, मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब ड्राइविंग पर्पज से ये गाड़ी बनाई गई थी उस टाइम पे, और आज भी क्यों ली है इसको भाई, इसीलिए ली है, ड्राइविंग पर्पज इसका बहुत तगड़ा है, स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है गाड़ी की। चलो उस पर बाद में आते हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है, ग्लव बॉक्स आपको ठीक ठाक डीप मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस रखने की है जिसमें पॉलिश वगैरह रख रखा हूँ मैंने। यहाँ पे एक छोटी सी फोन रखने की स्पेस आ जाती है। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आ जाता है। एयर कंडीशन के सिस्टम आ जाते हैं आपके। 4 तक ब्लोवर की स्पीड है, एसी, और ये आपका सर्कुलेशन मोड, बाकी सारे मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और हॉट कोल्ड एयर इनटेक का लिए। यहाँ पे टच स्क्रीन लगी हुई है जो कि मुझे मिली थी जब मैंने गाड़ी ली थी। तो टच स्क्रीन साउंड सिस्टम है, चारों दरवाजे में नहीं, आगे के 2 दरवाजों में स्पीकर है, और पीछे वो आपको दिखाए थे वो 2 लगे हुए हैं बस। यहाँ पे आपको हैजार्ड ऑप्शन का मतलब यहाँ पे स्विच मिल जाता है। एसी के वेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे दिए हैं, इधर साइड में बड़े बड़े दिए हैं ठीक है। बाकी डुअल टोन में इंटीरियर आता है, आप देख सकते हो इंटीरियर कितना साफ सुथरा हो रहा है, तुम्हारे भाई ने ही इसको क्लीन किया है। यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर सी फिनिश मिल जाती है जो कि इन फ्यूचर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये मेरा है ठीक है। यहाँ पे भी आपको थोड़े एसी वेंट्स के पास सिल्वर सी फिनिश मिल जाती है, और एसी एडजस्ट करने के लिए ये मिल जाता है ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा रेट्स का ऐसे कोई, मैंने अभी तक तो नहीं देखी कितनी वीडियो ज्यादा रिव्यू वाली पड़ी हूँ, इसलिए मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि आपको
2024 में अगर मारुति सुजुकी की रेट्स मिल रही है और इमैकुलेट कंडीशन मिल रही है और डीजल इंजन मिला है तो क्या रहना चाहिए, तो पूरी गाड़ी देखो फिर बताता हूँ कि क्यों लेना चाहिए ये 2024 में ये गाड़ी। तो आ जाते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिखा दिए, बड़ा सा डैशबोर्ड आपको मिलता है इसका, काफी मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है छोटू पड़ गया मैं, और विंडस्क्रीन काफी बड़ी मिलती है, विंडस्क्रीन पे एक छोटा सा क्रैक आ गया जिस दिन गाड़ी लेके आ रहे थे उस वही छोटा सा पत्थर लग गया, तो उसकी वजह से वहां से चिटकना चालू हुई वहां तक चली गई। तो विंडस्क्रीन चलो कोई नहीं चेंज हो जाएगी, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 3-4 हज़ार रुपए की है वो चेंज हो जाएगी, फास्ट टैग वगैरह लगा हुआ है ठीक है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, सनवाइजर बोल लो इसको, और इधर आपको मिरर मिल जाता है लेफ्ट साइड में, ये आपका बैक व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर, ऐसे आपके बड़े से शीशे मिलते हैं जो कि आपको काफी बढ़िया व्यू देते हैं। उस साइड का बस वही है, पावर विंडो आपको मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो का कंट्रोल है, बाकी फैब्रिक का बॉलस्ट्री लगी है थोड़ी सी, वही 1 लीटर बोतल का सिस्टम, 1 स्पीकर और आपको डोर अनलॉक वर्क करने का, उधर से शीशा करने का। और हाँ, मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगती है रेट्स में कि आपको क्वार्टर पैनल यहाँ पे मिल जाता है जो कि ग्लास्ड है, जो कि दिख जाता है और काफी अच्छा व्यू लाता है गाड़ी का, आप प्लस देख रहे हो गाड़ी के इतने ज्यादा मोटे हैं, मतलब क्या ही कहोगे, ये देखो ना इधर साइड में ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग दिख रही होगी थोड़ी सी, यहाँ पे वो नहीं मिला है जो कि इधर लगा हुआ है ठीक है। और सीट्स आप देख सकते हो काफी बढ़िया कुशन्ड और काफी ग्रैब करके रखती हैं आपको सीट्स इधर वाली, मैं आपको इधर वाली दिखा रहा हूँ क्योंकि उस पर तो बैठा ही हुआ हूँ। ये मुझे तो लग रहा है भाई मारुति सुजुकी ने जो दी थी भाई इसमें भाई ने लगा रखी अभी तक, मतलब हम लोग लेके आए, इन फ्यूचर देखते हैं चेंज कराते हैं कि नहीं कराते हैं ठीक है। सीट्स काफी बड़ी हैं, नीचे से एडजस्टेबल है, मतलब अपसाइड डाउन वाली नहीं है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बाकी सब है ठीक है। ग्लव बॉक्स आपको दिखा दिया, यहाँ पे आपको छोटी सी बोतल रखने के लिए, कॉर्न रखने के लिए, हैंड ब्रेक आप देख सकते हो ठीक है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट के होल्डर्स मिल जाते हैं। चलो स्पेस आगे की बात करें तो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। और हाँ, यहाँ पे ABC पेडल्स ठीक है, मैट भी गाड़ी में ठीक ठाक डली हुई है, थोड़ी इधर उधर है लेकिन ठीक ठाक डली हुई है, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं क्या रहता है ठीक है। इसको खोल लें यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसे नहीं चलाया, इंजन नहीं स्टार्ट हुआ है भाई। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के कंट्रोल, फॉग लैंप के कंट्रोल्स ठीक है, रियर फॉग लैंप भी आता है ना इसमें, और इधर वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको आ जाते हैं, MST वगैरह ठीक है। तो बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आपको फ्यूल ओपन वगैरह और डिग्गी ओपन वगैरह के सिस्टम मिल जाता है, और काफी अच्छा भाई लोहा लाट सिस्टम है लिट्स का। चलो पीछे वाली सीट्स पे आते हैं, आगे वाली सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए। पीछे वाली सीट्स आप देख सकते हो 60-40 स्प्लिट है, यहाँ से ओपन होती है ये 60, वो 40 स्प्लिट हो जाती है, और आपको काफी अच्छा बूट स्पीड मिल जाता है, यहाँ से पीछे से कुछ इतना सा व्यू दिखता है। गाड़ी में बैठ जाते हैं और थर्ड सुनना डोर की, भाई साहब नेक्स्ट लेवल भाई, पसीने देख रहे हो ठीक है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, शिफ्ट जैसी है, जैसे शिफ्ट में आती थी छोटू सी उतनी है, और यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल मिल जाता है जो कि एरी फील दिलाता है, और पीछे से कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है, क्या स्पोर्टी लगती है देखो ना भाई, काफी ज्यादा बेहतरीन गाड़ी थी ये, और आज भी भाई जिस दिन लाया उसको मजा ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देख सकते हो क्या डैशबोर्ड लगता है इसका गाड़ी का ठीक है। बाकी लेग स्पेस देख सकते हो काफी ज्यादा गाड़ी में मिल जाता है, हेडरूम तो बहुत ही होगा भाई क्योंकि टॉल बॉय डिजाइन है इसका, और मेरी हाइट भी इतनी नहीं है, और एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं वही डोर पे सेम सब कुछ। यहाँ पे आपका हैंडल टू होल्ड ऑन वाला फीचर, बाकी सीट बेल्ट्स यहाँ पे हैं, और फाइबर वगैरह की कवरिंग अच्छी से है, कोई कुछ भी एक्सपोज नहीं है, इनसाइड आप कुछ भी एक्सपोज नहीं देख सकते हो क्योंकि भाई प्रीमियमनेस को ध्यान रखा था सुजुकी ने उस टाइम इस गाड़ी को जब निकाला था, तो काफी गर्म हो रहा है। और आगे से आपको डैशबोर्ड दिखाई दिया, काफी ज्यादा प्यारा लगता है। और चलते हैं इंजन बे की तरफ, नजर डालते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स के लाइट एडजस्टेबल अलार्म वगैरह के सिस्टम मिल जाता है ठीक है। चलो ओ सॉरी, यहाँ से खुलता है, यहाँ से आपका खुलेगा बोनट बेबी, शीशा डाउन कर लेते हैं, ऑटो डाउन है ड्राइवर साइड का, इन द केस मैंने इसलिए ओपन कर लिया। और थोड़ी सी ये जो है यहाँ पे आपको कैमरे में नजर आ रही होगी, यहाँ पे ये थोड़ी सी धूप में गाड़ी खड़ी रही है, इस वजह से यहाँ पे जो है थोड़ी फेड हो गया कलर, जो कि देख लेंगे रिपेयर हो जाता है, वो क्या नाम उसको बोलते हैं, कटर वगैरह लग जाएगा, रमिंग वगैरह, तो इसको ओपन कर लेते हैं। बाकी मॉडिफिकेशन तो होगी जैसे भाई काफी बारी है, इंसुलेशन प्रॉपर दी गई है, एक मिनट मैं इसको सेट कर लूं जरा। सोहन जी इंसुलेशन प्रॉपर दी गई है, और ये आपका फिएट मल्टी जेट 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन,
जो कि पावर वगैरह मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, डायरेक्ट आया हूँ सुबह सुबह वीडियो बना दिए। और पावर वगैरह तो आप जानते हैं 2000 RPM के बाद जो उसका टर्बो बूस्ट होता है भाई साहब मज़ा आ जाता है। ठीक है, बैटरी आप देख सकते हो लगी हुई, ये इनटेक है इसका, कूलेंट और बस वाइपर, और ये आफ्टर मार्केट है, हॉर्न्स लगे हैं गाड़ी में और ऐसे कुछ इसके वाइपर्स आते हैं और यहाँ पे लूज हो गया भाई तो इसको भी प्रॉपर फिक्स करना है अभी। और गाड़ी का शूट करते करते भाई पसीने आ गए, अभी तो काफ़ी कुछ इसमें चेंज करना है, काफ़ी कुछ रख के रखा है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, ये पूरी पेंट होगी जो कि आपको दिखाएंगे कैसे लुक चेंज करते हैं गाड़ी का। तो चलो डीजल इंजन स्टार्ट करते हैं और आवाज़ सुन लेते हैं इस गाड़ी की। आ भाई वाह, सुनो आवाज़ सुनो, जैम जैम इंजन है भाई, आवाज़ सुनो खाली इसकी। दस से 15 गाड़ियों में तो ये इंजन लगा था और सबसे ज़्यादा उठा है सिर्फ मारुति में। और आप देख सकते हो एक चीज़ आपने गौर करी कि ऑल्टो जो थी अपनी सेम कलर में थी और ये भी सेम कलर में है भाई, देखते ही पसंद आ गई थी भाई, ले ली यार क्या बताएं। ऑल्टो तो बेचारी बड़ी याद आती है उसकी, जा चुकी है। तो चलो इसको बंद कर देते हैं। और एसी का कार का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता है और एंटीना आपको दिखाया था। चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर से नॉइस सुनाते हैं गाड़ी की। शीशे बंद कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। ये भाई साहब ये चेकआउट करो, वाह मज़े आ जाते हैं भाई इसको देख के। रात में जो मतलब क्या ही बताऊं मैं भाई, रात में जो व्यू देता है ये भाई साहब एक नंबर। मतलब जो इसकी पोजीशनिंग है गियर वगैरह की, स्टेयरिंग वगैरह की, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो इसके बाद वाला रिसेंट जो मॉडल था लास्ट में जो प्रोड्यूस हुआ था, लॉक कर लेते हैं, जो लास्ट में प्रोड्यूस हुआ था उसमें स्टेयरिंग एडजस्टेबल था और सीट हाइट एडजस्टेबल थी। आई थिंक ZDI में भले आती हो, VDI में भी उस टाइम आने लगी थी तो ऐसा खुद थी। तो ऐसी है अपनी रिट्स, तो कैसी लगी आपको बताइए। और हाँ, 2024 में रिट्स क्यों ले सकते हैं भाई, एक तो पावरफुल इंजन आपको मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी, माइलेज आपको आराम से 24-25 का निकाल के देगी, गाड़ी चलने में बहुत बेहतरीन होती है, स्टेबिलिटी एक नंबर, 120-130 जैसे भगाओ भाई स्टेबिलिटी एक नंबर है, ब्रेकिंग्स एक नंबर है गाड़ी की। बाकी अब इसके ऊपर आएंगे मॉडिफिकेशन, धीरे धीरे आएंगी क्योंकि अभी थोड़ा बिजी भी हूँ, इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है यार, थोड़ा बिजी है अब रहता है आदमी। ठीक है, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था भाई रिट्स की कब वीडियो बनाई जाए, कब वीडियो बनाई जाए, तो मैंने कहा आप बना ही लेते हैं यार, दिखाते हैं कि क्या रहता है रिट्स का यार 2024 में, रिट्स लेनी चाहिए कि नहीं आप लोगों को। और तुम्हारे भाई ने तो ले ही लिया है, अब जैसा ओनरशिप रिव्यू रहेगा आपको दिखाते जाएंगे कैसा क्या रहेगा। बाकी प्राइस वगैरह तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे हैंडल पे या कमेंट वगैरह में आप रिप्लाई मैं दे दूंगा आपको, आप पूछ लीजिएगा जो भी आपको डाउट हो। तो भाई फील आ जाती है गाड़ी में, और थोड़ी इतनी मतलब सिंगल हैंडेड ये गाड़ी यूज़ हुई है, तो मतलब ये एक साइड पे बैठे हैं, उस साइड वाली सीट बिल्कुल ओके है, पीछे भी सीट, मतलब गाड़ी ऐसी गंदी हो रही थी जिस दिन मैं लाया था, बंदे के पास एक दो गाड़ियां और हैं और इतनी गंदी हो रही थी भाई। बाहर से तो वॉश हो गई, ठीक है बाहर से एक बार मैंने अपने हाथ से भी वॉश करी थी, ठीक है बाहर से तो वॉश हो गई चलो ठीक है, इंटीरियर बहुत ज़्यादा गंदा था। अब आप देख सकते हो शाइनिंग देखो, और पॉलिश वगैरह रखी रहती है, देखो डैशबोर्ड पॉलिश रखी रहती भाई, क्योंकि इन द केस भाई आप जानते ही हो, अब गाड़ी आई है भाई अल्टो को देखा ही था आपने, लियो अपनी क्या बताऊँ दूसरे के हाथ में चली गई, अब ज़्यादा इसका जिक्र ना करा जाए तो अच्छा ही है। बाकी जो चला रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, कहता है भाई जलवे काट दिया तुमने गाड़ी देखी भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी थी। ठीक है यार ऑल्टो बस एक्सपायर भी होने वाली थी एक साल के बाद, तो मैंने सोचा हटा देते हैं, ऑल्टो चला के थक भी गए, शौक भी पूरे कर लिया ऑल्टो पे और बढ़िया भाई चल भी रही थी वो। तो अब इस पे जो भी आएंगे थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन आएंगे, जो भी आते हैं आपको दिखाएंगे, जो भी कुछ इसमें करते हैं। बाकी इसमें पॉलिशिंग वगैरह तो करी थी मैंने, रबिंग वगैरह करने की सोच रहा हूँ, रबिंग की वीडियो तो आपको वैसे भी दिखा चुका हूँ, तो रबिंग का सच कोई वीडियो नहीं आएगी, बाकी जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह होगी वो दिखाई जाएगी आपको। ठीक है, बाकी सामान वगैरह लेंगे जहाँ से भी लेंगे, दिल्ली से लेंगे, लखनऊ से लेंगे, अपने तो जाएंगे देख के आएंगे लेके आएंगे खुशी देख रहे हो। तो कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं, गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है। चलो क्रॉल करते हैं, डीजल इंजन का सबसे बढ़िया सुकून ये मुझे लगता है, आप चलिए
एक्स क्या नाम है, क्लच छोड़ दीजिए, आराम से आप स्टेरिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्रॉल करती हुई गाड़ी जाएगी। टॉर्क ही इतना होता है गाड़ी में कि क्रॉल करती हुई जाएगी। बाकी पिकअप वगैरह के मामले में तो आप जानते ही हो, ये इंजन स्विफ्ट वाला इंजन, और आज भी लोग डिजायर लेना और शिफ्ट लेना क्यों पसंद करते हैं डीजल में, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये एक जेम इंजन था जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था। ड्राइवेबिलिटी में बहुत ज्यादा अच्छी है, ऊंची गाड़ी है, ऊंचे सस्पेंशन वगैरह है, टायर्स वगैरह आपको ऊंचे मिल जाएंगे गाड़ी में, समझे। और बात करें भाई टर्निंग रेडियस की, आपको दिखाते हैं, इंडिकेटर दे दिया है, फर्स्ट में डाल लेते हैं। टर्निंग रेडियस तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। मैंने कहा ना शिफ्ट, मारुति तो पार्ट शेयर करता है अपनी गाड़ियों के, शिफ्ट के काफी ज्यादा पार्ट इसमें शेयर हुए हैं। पिकअप देखो गाड़ी का, ऑन द गो भागती हुई चली जाती है। हाँ, और साउंड देखो गाड़ी का, कोई भी साउंड नहीं है गाड़ी में इंजन के साउंड के अलावा। इंजन की नॉइज आप किड़किड़ किड़की सुनते हुए चलोगे, डीजल में यही तो सुख है, इंजन की किड़किड़ किड़किड़ आपको सुनते हुए चलोगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। गाड़ी स्टेबल बहुत ज्यादा है, कैसे भी चला लो इस गाड़ी को, बहुत ज्यादा स्टेबल है। 80 90 100 तो कुछ पता ही नहीं चलता इसमें कि चल रही है, अभी 80 चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो 80 चल रही है हाईवे पे, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। तभी तो रेट अपने जमाने में इतनी क्यों नहीं चली, जेम गाड़ियां जो होती वो इतनी नहीं चलती है। बाकी है रेट्स लोगों के पास है, आप खरीद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपन भी पहले शिफ्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन रिट्स दिख गई, रिट्स के ऊपर आ गया ओ दिल, लुक्स, इंटीरियर, इस वजह से शिफ्ट बहुत ज्यादा ओवररेटेड गाड़ी हो चुकी है अब डीजल वाली। और डिजायर तो ले लिया आपने तो टैक्सी के उसमें आ जाओगे आप। तो यही था ओवरव्यू मेरे रिट्स के ऊपर, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे जल्द मॉडिफिकेशन के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग। और इसका नाम रखा है रेड ज़ू, ओके गोती लियो, ये है रेड ज़ू। चलो रेड ज़ू को पार्क करते हैं चल के आराम से, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, आएगी जरूर, मॉडिफिकेशन होगी भाई, क्यों नहीं होगी, गाड़ी अपने हाथ में। तो चलो बाय बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ी आवाज में चल लेंगे, बाय बाय।